सो आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी और स्पेशल डिश लेके आया हूँ। ये पूरे एंटायर महाराष्ट्र को पता है, जिसका नाम है तरी पोहा। और ये स्पेशली नागपुर की डिश है। इसमें हमें दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ता है। पहले तो हमें पोहा बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें तरी बनानी पड़ती है। और इसे दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे से खाया जाता है। और पहले हम पोहा बनाएंगे, तो उसका हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। पहले तो हमने लिया है मोटा पोहा लिया है हमने। कौन से भी किराना दुकान में मिल जाएगा आपको ये। और इसे हमें सबसे फर्स्ट भिगा के रखना है। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और सबसे पहले काम यही करना है हमें गाइस, इसे हमें भिगा के रखना है। तो गाइस ऐसे दिखेगा। तो गाइस हमें अब इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ मैं इसके। सो पहले पहले मैंने ये है फाइन चॉप, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने प्याज को काटा है। और फिर मैंने आलू को भी काटा है, पतले टुकड़ों में मैंने आलू को भी काटा है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर काटा है, फाइन चॉप्ड एक टमाटर काटा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। और इसमें गाइज मैंने लिया है 2 से 3 हरी मिर्ची कट। और गाइज इसमें एक्चुअल में हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा लगता है। और इसमें हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। गाइज इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डलता है। सो गाइज सो लेट्स बिगिन। अभी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल दिया है। हम इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने राई डाला है। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जितना राई डाला है उतना ही जीरा डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए गाइज ऐसे डालना है। और हमें लो फ्लेम में इसको पकने देना है थोड़ा सा। ये देखिए गाइज ऐसे। वैसे तो मैंने पहले से ही गैस ऑन करके रखा था, और अभी हाई कर देंगे गाइज, जब तक ये जब थोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए हैं तो। और अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, डालेंगे जो हमने काटे थे। ये देखिए गाइज, जो फाइन चॉप जो प्याज है हम उसमें ये डालेंगे। और इसे ब्राउनिश होने तक पकने देंगे हाई फ्लेम में। और कड़ी पत्ता भी डालेंगे हम। इस कड़ी पत्ते से और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और वैसे इसके साथ ही जब ये पकना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ ही हमें हरी मिर्च भी डाल देनी है गाइस, और शेंगदाने भी गाइस, मूंगफली हरी शेंगदाने, एक्चुअल में एक मराठी वर्ड है। और गाइस जो महाराष्ट्र में वो भी देखे, और जो महाराष्ट्र के बाहर में रहते हैं वो भी देखे गाइस, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और तुरंत बन जाती है गाइस। और इतनी आपके परिवार वालों को भी बहुत अच्छी लगी थी ये रेसिपी। और इसमें थोड़ा सा मिर्ची तो हमने डाल ही लिया है, थोड़ा सा हमें इसको पकने देना है हाई फ्लेम में। और अभी गाइस हम जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में आलू डाले थे वो डालेंगे इसमें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है गाइस ये, आप ज़रूर ट्राई करें घर पे, और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। तो देखिए अभी हम इसमें थोड़ी सी बीच में जगह बना के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है इसका। और 1 चम्मच पूरा भर के डालिए गाइस, देखिए ऐसा कुछ होगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसे हाई फ्लेम में ही रखिए गाइस। तो गाइस अभी हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम में रख के हम इसे ढक देंगे गाइस, इस प्लेट से हम इसे ढक देते हैं, और ताकि वो बाहर ना निकल और आलू पक जाए गाइस। सो गाइस तब तक, जब तक पोहे के आलू पक रहे हैं, तब तक हम तरी के इंग्रेडिएंट्स में आपको बता देता हूँ। पहले तो मैंने ये मूंगफली लिया है, और ये प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं, और उसका पेस्ट बनाना है गाइस जो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए गाइस ऐसा दिखेगा आपको ये पेस्ट।
और गाइस अभी मैं इसको मसाले बता देता हूँ आपके। यह है इस लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है गाइस क्योंकि नागपुरियन बहुत तीखा खाते हैं। वैसे ही मैं बना रहा हूँ और मम्मी पापा को पता है इसलिए मैं तीखा बना रहा हूँ। सो गाइस अभी मैंने दो दो बड़े स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, थोड़ा सा हल्दी लिया है मैंने, नमक तो स्वाद अनुसार ले ही लेंगे आप। 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर और एक और आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला। और गाइस इसमें भी जिंजर गार्लिक पेस्ट तो लगता ही है गाइस। और इसमें मैंने जीरा और राय भी लिया है और मैंने ये टमाटरों का प्यूली भी बना लिया है और ये भी इसमें हम डालेंगे। और गाइस इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जो गंज में मैं बनाने वाला हूँ, जिस पतीले में मैं बनाने वाला हूँ उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है और उसे लो फ्लेम में होने देना है। और जब तक ये, वैसे तो ये हो ही गया है, मैं इसमें मोहरी राय डालूँगा, वैसे महाराष्ट्र में इसे मोहरी भी कहते हैं। ये देखिए गाइस कुछ ऐसा होगा। और जीरा भी गाइस जितना आपने मोहरी डाला है उतना ही जीरा डालना है आपको। ये देखिए गाइस ऐसा हो रहा है। और गाइस जो हमने नाक में पूरी खुशबू घुस रही है मेरे गाइस, और हमने जो जो पेस्ट बनाया था मूंगफली और प्याज का वो पूरा डालेंगे गाइस। एकदम अच्छे से डालेंगे गाइस क्योंकि यही जो है बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है ये गाइस। ये गाइस बहुत ही अच्छी और चटपटी डिश है, इसे हम थोड़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम में रख के मिक्स करेंगे गाइस। अब तक जो हमने किया वो लो फ्लेम में था, हाई फ्लेम में करेंगे और इसे अच्छे से होने देंगे गाइस। जीरा और मोहरी अच्छे से मिक्स होने हो जाने चाहिए। देखिए हमारा पूरा अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसमें जितना हमने मसाले दिए थे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार उसको हम इसमें डाल देंगे, और जितना हमने टमाटर लिए थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। मैंने आलू को थोड़ा और देर पकने देना है क्योंकि गाइस ये क्रंची हो जाते हैं बहुत, और क्रंची खाने खाने में भी अच्छे लगते हैं। और देखिए गाइस हमारा थोड़ा सा बॉईल आ चुका है, ये देखिए गाइस हमारा थोड़ा सा बॉईल आ चुका है, इसे हम और थोड़ा सा पकने देंगे और जीरा और राय को अच्छे से मिक्स होने देंगे। अभी हम इसमें पोहे डालेंगे, जितना हमने जो डाला था वो सब हो चुका है, अभी हम इसमें पोहे डालेंगे। ये देखिए गाइस और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे, अच्छे से मिक्स होने देना है गाइस इसे, और कलर भी आने देना है इसे। सो गाइस ऐसा ऐसा ही कुछ आपका कलर आएगा और इसी तरह होगा। अभी हम इसे ढक देंगे जो हमारा तैयार हो चुका है, और अभी हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हमारा बॉयल आ चुका है और पूरा पक चुका है, और तेल छूटने तक हमें पकाना है इसे। तो गाइस ऐसे ही तरी में 1/4 कटे टमाटर भी डालेंगे हम, इसका जो पूरा फ्लेवर है वो हो जाने देंगे, बहुत ही यमी लगता है इसका फ्लेवर। ये गाइस ये तेल अलग हो चुका है पूरा मसाले से, तो गाइस हमारा मसाला है कि ये पक चुका है पूरा मसाला। ये अच्छी धूप आ रही है, ये देखिए, और ये पूरा अच्छे से बन चुका है। तो गाइस अभी हम इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे और इसमें अभी हम जो भी मैंने मसाले बताए थे आपको वो सब डाल देंगे। ये देखिए गाइस ये जो मसाले डाले थे मैंने ये सब डालेंगे हम इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा अभी गाइस, और अच्छे से मिक्स करना है हमें और 1 मिनट तक गाइस हमें पकने देना है। ये 1 मिनट तक गाइस पक चुका है, अभी हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल रहे हैं।
ऐसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और 2 मिनट तक पकने देना है हाई फ्लेम। ये हमारा पक चुका है, अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे, 1/4 कटे हुए टमाटर जो थे वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे हाई फ्लेम पे, बॉईल होने देंगे, बॉईल आने देंगे। ये देखिए गाइस हमारा तरी पक चुका है और ये जब ठंडा होगा तब गाइस पूरा तेल ऊपर आ जाता है, तब तक के लिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं गाइस। और एक्चुअल में गाइस ये जो बड़े टमाटर के पीस है इसे भी लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, तो गाइस इसे हम ऐसे साइड में देते हैं और फिर उसके बाद जो तरी है इसको हम यहाँ पर भी दे सकते हैं या फिर पोहे के ऊपर भी दे सकते हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छी हमारी डिश पक के तैयार हो चुकी है गाइस। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल फन कुकिंग विद कौस्तुभ को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय।